नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा के अंदर आज अपन कक्षा चतुर्थी के पर्यावरण विषय के अंदर वीडियो क्रमांक 13 के अंदर 10वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है पानी और हम। पिछले अध्याय पाठ 9 के अंदर अपन ने पानी के गुण और पानी की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि पानी रंगहीन होता है, पानी गंधहीन होता है, पानी स्वादहीन होता है, पानी बहुत ताकतवर होता है। ऐसे पानी के गुण और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज अपन पानी के उपयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पानी हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए पानी का क्या महत्व है, इसके बारे में अपन इस पाठ के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसी के अंदर अधिगम बिंदु के अंदर अपना पहला जो बिंदु है वो है पानी का उपयोग। पिछली कक्षा में भी आपने पानी के उपयोग के बारे में आप पढ़ करके आए हैं। जैसे पानी नहाने के लिए काम में आता है, कपड़े धोने के लिए अपने काम में लेते हैं, खाना पकाने के लिए काम में लेते हैं, पेड़ पौधों को पिलाने के लिए काम में लेते हैं। इसी तरह से पानी के उपयोग और भी हैं, जैसे रोजगार तथा उत्पादन के लिए कोई बड़ी उद्योग धंधे फैक्ट्रियां चलती हैं तो वहाँ पर भी पानी का उपयोग किया जाता है। घर पर शौचालय हैं, घर की साफ सफाई के लिए भी पानी का अपन उपयोग करते हैं। सार्वजनिक कार्य, जैसे कहीं आग लग गई है तो आग को बुझाने के लिए भी अग्निशमन जो गाड़ी आती है यंत्र, उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। नालियों की सफाई है, सड़कों पर छिड़काव करना है तो भी पानी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी जो कारखाने हैं, होटलें हैं, भवन बनाने में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, गाड़ियों में गाड़ियाँ जो धोते हैं, पंचर वाले की दुकान है, इन सभी जगह पर पानी का उपयोग होता है। तो पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। पानी का उपयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पानी नहीं है तो हमारी दिनचर्या जो है वो अस्त व्यस्त हो सकती है, रुक सकती है। सुबह उठने से लगा करके रात्रि में सोने तक का जितना भी है वो पानी का उपयोग करते हैं। चाहे अपन को खाना बनाना है या अपने दैनिक नित्य कार्य करने हैं तो पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इसके अंदर आप प्रश्न बनेंगे कि आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग देखा है, उसकी सूची बनाइए। तो अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई कि यहाँ पर पानी का उपयोग होता है, कारखाने, होटल, भवन बनाने में, गाड़ियाँ धोने में, पंचर वाले की दुकान पर, साफ सफाई में, और भी जो है अपने दैनिक कार्य जो घर पर होते हैं उन सभी कामों में पानी का उपयोग होता है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए। फिर इसके बारे में और प्रश्न बनेगा कि इन कार्यों के लिए पानी अपन को कहाँ से मिलता है। तो पानी अपन को कहाँ से मिलता है, जब बारिश होती है तो जो बांध है, तालाब है, नदियाँ हैं, उसमें पानी आता है तो इनसे अपन को पानी मिलता है। फिर अन्य मौसम में जो है कुएं हैं, जो ज़मीन के अंदर जो है पानी रहता है, कुओं के माध्यम से बोरवेल हैं, नलकूप हैं, इनके माध्यम से अपन को पानी मिलता है। और भी जो बड़े बड़े शहर हैं, नगर हैं या गांवों में आजकल नल की व्यवस्था हो गई है सरकार के द्वारा, नलों की व्यवस्था, तो नलों के द्वारा भी अपन को पानी का उपयोग जो है उपयोग के लिए अपन को घर पर मिलता है। फिर आगे प्रश्न और बनेगा कि आपके गाँव या शहर के आसपास कोई नदी या तालाब है तो उनका नाम पता करके लिखिए। अपने गांव के आसपास ऐसा कोई तालाब, नदी है तो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे अपन पिंडवाड़ा में, जैसे सिरोही में या जैसे रहते हैं तो यहाँ पर अपना सबसे बड़ा बांध जैसे पश्चिमी बनास बांध है, जिससे बनास नदी निकलती है, तो ये बनास बांध के बारे में अपन बता सकते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए। फिर क्या इनमें साल भर पानी रहता है, तो साल भर पानी रहता है। किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में अधिक हो जाता है, तो गर्मियों का जो मौसम होता है तब पानी उसमें कम होता है। गर्मियां जैसे गर्मी में पानी भाप बनकर के उड़ता है, ये भी अपन पिछले पाठ के अंदर पढ़ चुके हैं अपन कि तेज गर्मी के अंदर पानी वाष्प बनकर के उड़ जाता है, जिसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो और बारिश का मौसम होता है, उस समय पानी उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी नदियों का पानी आता है तो बांध है वो बांध पानी से भर जाता है। फिर इसके अंदर प्रश्न बनेगा, क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहाँ के पानी को पवित्र मानते हैं और वहाँ से पानी लेकर आते हैं। ऐसा कॉपी में अपन तालिका बना करके इसको भर सकते हैं। आपके कॉपी के अंदर ऐसी तालिका दी हुई है तो कॉपी के अंदर जो तालिका दी हुई है, जैसे एक तरफ पवित्र स्थान का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ वहाँ का पवित्र जल का नाम लिखा हुआ है, तो जैसे पहला आपके किताब के अंदर भरा हुआ है हरिद्वार, या उसको हरिद्वार भी बोलते हैं, जो हरिद्वार या हरिद्वार है तो वहाँ पर गंगा जल लेकर के आते हैं, गंगा नदी के तट पर जो स्थित है ये हरिद्वार नामक स्थान, तो वहाँ गंगा नदी का पवित्र जल लेकर के आते हैं तो उसको गंगा जल कहते हैं।
क्या कहते हैं, गंगा जल। ऐसे ही और भी जल स्थान और उसके जल के बारे में पढ़ना है तो आप स्वर्ण मंदिर लिख सकते हैं, जो पंजाब के अंदर अमृतसर के अंदर है। स्वर्ण मंदिर जो सिख पंथ के लोग जो हैं वो उनका धार्मिक जो स्थल है, वहाँ स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, वहाँ का जल लाते हैं उसको अमृत जल कहते हैं, वहाँ के जल को क्या कहते हैं, अमृत जल कहते हैं। फिर आप नर्मदा मंदिर, जो नर्मदा नदी का जल है वो लेकर के आते हैं तो उसको नर्मदा जल कहते हैं, जो नर्मदा नदी का जल लेकर के आते हैं नर्मदा मंदिर। फिर मथुरा के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली जो मथुरा है, तो वहाँ से यमुना नदी का जल लेकर के आते हैं उसको यमुना जल कहते हैं। यमुना नदी के किनारे पर जो बचा हुआ स्थान है, जो यमुना नदी का जल लेकर के आते हैं तो उसको यमुना जल कहते हैं। फिर मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन नामक स्थान है महाकालेश्वर, उस उज्जैन वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, तो वहाँ का जल जो पवित्र जल लेकर के आते हैं उसको शिप्रा जल बोलते हैं। कौन सा जल बोलते हैं, शिप्रा जल बोलते हैं। तो ऐसे आपके किताब के अंदर तालिका दी हुई है भरने की, तो पवित्र स्थान और उसके पवित्र जल का नाम इस कॉपी के अंदर जो तालिका बना करके इसको आप भर सकते हैं। फिर प्रश्न बनेगा कि इस पवित्र जल का उपयोग किस किस अवसर पर करते हैं, ये पवित्र जल है तो इसका उपयोग अपन कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये पवित्र जल है वो अपने धार्मिक उत्सवों में, कोई भी घर पर धार्मिक उत्सव होता है, पूजा पाठ होती है, तो उस समय इस पानी का उपयोग किया जाता है, कोई भी धार्मिक कार्य पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर किसी के विवाह संस्कार है या अंतिम संस्कार मृत्यु संस्कार जो होता है उस समय भी इस पवित्र जल का उपयोग किया जाता है। फिर प्रश्न बनेगा कि विभिन्न तीज त्यौहारों और रीति रिवाजों की सूची बनाइए जो पानी के स्रोत के पास मनाए जाते हैं, पानी के तट के जहाँ पवित्र पानी होता है वहाँ पर ये उत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ऐसा आप कार्तिक मास के स्नान हो सकते हैं, कुंभ मेले जो भरते हैं तो अलग अलग स्नान होते हैं, शाही स्नान जो अलग अलग प्रकार की तिथि को, पूर्णिमा का स्नान, अमावस्या का स्नान, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्नान होते हैं, माघ माह का स्नान। फिर गंगा दशहरा है, गणेश चतुर्थी अभी उत्सव आने वाला है, जो गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी की स्थापना की जाएगी उसके बाद उनका जल के अंदर विसर्जन किया जाता है, तो गणेश विसर्जन हो सकता है। फिर नवदेवी विसर्जन होता है, नवदेवी दुर्गा नवरात्रि भी आएगी, फिर दुर्गा विसर्जन होता है जो बंगाल के अंदर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं, छठ पूजा हो सकती है, सूर्य पूजा हो सकती है जो बिहार के अंदर मनाया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं जो पवित्र जल के तट पर मनाए जाते हैं। फिर अपने गांव के आसपास के मेले उत्सवों या गतिविधियों के बारे में लिखना है जो पानी के स्रोत के पास में होता है, तो ऐसे भी बहुत सारे उत्सव मेले भरते हैं। अपने यहाँ पर मारकुंडेश्वर जी का स्थान है प्रसिद्ध, तो वहाँ पर भी पवित्र जल जो गंगा निकलती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मेले उत्सव होते रहते हैं। फिर तीज त्यौहार होता है उस समय भी महिला है वो अपने घर पर गेहूं के छोटे पौधे लेकर के जाती हैं और उसको तालाब में विसर्जित करती हैं, तो ऐसे बहुत सारे उत्सव मेले मनाए जाते हैं। फिर अगला अधिगम बिंदु है अपना पानी का बहना, पानी का बहना। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक की स्केल ले सकते हैं और प्लास्टिक की स्केल के ऊपर जल की कुछ बूंदे रखते हैं, क्या करते हैं, जल की कुछ बूंदे रखते हैं, फिर उसको देखिए जो पानी है वो किस तरफ जा रहा है। यदि स्केल को अपन सीधी रखेंगे तो पानी है वो स्थिर रहेगा, पानी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन उसके एक सिरे को अपन थोड़ा ऊपर उठाएंगे, एक सिरे को क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो जो नीचे वाला भाग है वो नीचे वाला भाग है उस तरफ पानी बहने लगेगा, उस तरफ पानी क्या करेगा, बहने लगेगा। तो पानी की बूंदे हैं वो जैसे जैसे स्केल को यदि ज़्यादा मात्रा में उसको ऊपर उठाएंगे तो स्केल से पानी है वो तेज बहेगा, और यदि धीरे उठाएंगे उसको कम ढलान पर रखेंगे तो पानी है वो धीरे धीरे बहेगा। तो ऐसा अपन स्केल वाला प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे और प्रश्न बनेगा कि आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वो एक और क्यों बहता है। तो पानी की विशेषता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ढलान की ओर बहता है, पानी हमेशा किधर बहता है, ऊपर से नीचे ढलान की ओर बहता है। ये हम सबको, हमारा घर का जो फर्श बना हुआ है तो फर्श पर भी जो पानी है, फर्श पर भी जो पानी होता है उसमें ढलान रखा हुआ होता है, तो पानी उस ढलान की ओर बहता है। मोहल्ले की नालियों और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता है, तो वो भी जो मोहल्ले की नालियाँ होती हैं वो बड़े नालों में जाकर के मिलता है, कहाँ मिलते हैं,
बड़े नालों में जाकर के उसको पानी मिल जाता है, और बड़े नालों में पानी बहता हुआ फिर बड़ी नदियों में मिलता है, और बड़ी नदियों से फिर वो बांध या तालाब में जाकर के पानी मिलता है। फिर किसी ढलान पर पानी डाल करके उसकी दिशा मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, तो दिशा मोड़ेंगे तो भी पानी अपना रास्ता है वो ढलान की ओर ही बनाएगा। जैसे आपके घर के आसपास नालियों का पानी है जमीन पर ढलान की ओर बहता है तो आगे जाकर किसी जल स्रोत में मिल जाता है या किसी गड्ढे में जाकर एकत्र हो जाता है, उसी तरह नदियों का पानी भी बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाता है। फिर एक भारत का मानचित्र दिया हुआ है, आप भारत के अंदर मानचित्र और भारत के अंदर प्रमुख बहने वाली नदियां हैं, भारत के अंदर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो नदियों को अपन देख सकते हैं। भारत जैसे है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पश्चिम की ओर अरब सागर है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण की ओर हिंद महासागर है, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत के अंदर बहने वाली ये प्रमुख नदियां दी हुई है, भारत के अंदर बहने वाली प्रमुख नदियां दी हुई है। उत्तर की ओर से अपन देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की ओर से जो इंडस नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, फिर पंजाब के अंदर आते हैं तो सतलज है, फिर यहाँ पे हिमालय के उधर से देख सकते हैं चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी जो आ रही है, फिर इधर गंगा है, यमुना है, महानदी, इधर जो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी है, ये नदियाँ अरब सागर में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? अरब सागर में आकर के। और जो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, यमुना, महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर इसी तरह नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है आंध्र प्रदेश के अंदर, फिर दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो कावेरी नदी है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं वो भारत के अंदर बहती हैं। तो भारत में बहने वाली ये प्रमुख नदियां दी हुई हैं जो हम सबको आपके किताब के अंदर भी ऐसा ये मानचित्र दिया हुआ है। तो इसको ठीक से मानचित्र को देख करके आप इसको ठीक से नदियों के बारे में समझ सकते हैं कि भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां, नीले रंग की जो रेखाएं दी हुई है आपको, ये जो नीले रंग से लिखा हुआ रंग की रेखाएं हैं वो अपनी नदियां हैं उसका बहाव क्षेत्र दिखा रही है। जो नीला रंग फैला हुआ है बड़े क्षेत्र में, ये नीचे की ओर, ये पूरा समुद्र है। यहाँ पर जो ये रंग अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। फिर इससे भी प्रश्न बनेंगे कि भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो भारत में बहने वाली ये जो प्रमुख नदियां हैं इनके नाम लिखने हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना, इन नदियों के नाम लिखने हैं। फिर भारत की सीमा से लगे तीनों समुद्रों के नाम लिखने हैं, पश्चिम की ओर अरब सागर है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण की ओर हिंद महासागर है। फिर अगला अधिगम बिंदु है अपना, पानी व्यर्थ न करे, पानी व्यर्थ न करे। आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कोई नल होता है और नल से बार बार पानी टपकता रहता है। कभी आपने सोचा है कि धरती पर कितना पानी है? यदि आप कल्पना करें कि पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यदि धरती के पूरे पानी के अपन कल्पना करते हैं कि मान लीजिए पानी एक बाल्टी के बराबर है, पूरी धरती का पानी कितना है? एक बाल्टी के बराबर है। तो उसमें से एक छोटा सा चम्मच भर करके पानी है वो हमारे लिए पीने योग्य है, 0.01% यदि पानी के है तो इतना पानी ही हमारे पीने लायक है, उपयोग में आने लायक है। तो इस पानी को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, हमें इस पानी का महत्व समझना चाहिए, पानी को बचा करके रखना है। आप इसके लिए एक प्रयोग कर सकते हैं, आधा लीटर पानी की प्लास्टिक की बोतल है उसको कहीं टपकते हुए नल के नीचे रख सकते हैं और समय नोट करना कि ये बोतल कितने समय में भर जाती है। मान लीजिए कि आधे लीटर की जो पानी की बोतल है वो आधे घंटे में भर जाती है तो 24 घंटों में कितने लीटर पानी बहेगा? आधे घंटे में आधा लीटर पानी बहता है तो एक घंटे में एक लीटर बहेगा, तो 24 घंटे के अंदर 24 लीटर पानी बहेगा। ऐसे ही आपके घर, स्कूल, सड़क, आसपास या और भी कहाँ का नल से पानी टपकता हुआ दिखता है वो देख सकते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों पर जो नल होते हैं वहाँ अधिकतर आपको पानी टपकते हुए दिखता है, चाहे स्कूल के नल हैं, मोहल्ले की या और भी कई सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर इतनी देखभाल उसकी नहीं होती है तो वहाँ बार बार पानी टपकता रहता है। आपने आसपास कहाँ कहाँ नल टपक खुला हुआ देखा है? तो आप देखेंगे विद्यालय में है या और भी कोई सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर आपको खुला हुआ नल दिख सकता है। कल्पना कीजिए कि इन सब से कितना पानी व्यर्थ बह जाता है। तो इससे बहुत मात्रा में सैकड़ों हजारों लीटरों की लीटर है वो पानी बह जाता है। यदि आपके आसपास इस तरह व्यर्थ पानी बहता देखेंगे तो आप क्या करेंगे? तो हम सब विद्यार्थी हैं तो हमारी बात लोग मान सकते हैं, तो उनको पानी का महत्व बताएंगे कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है।
फिर उनको बताएंगे कि खुला नल नहीं छोड़ना है, नल खुला दिखता है तो बंद करना है, उनको बताएंगे। और वहाँ पर एक सूचना बोर्ड भी लगा सकते हैं कि पानी का उपयोग करने के बाद पानी को के नल है उसको ठीक से बंद करें। तो इस तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, जैसे ये पानी बार बार टपकता रहता है बूंद, तो उस नल को ठीक भी करवा सकते हैं लोगों को बता करके। तो इस तरीके से पानी है वो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। पानी के बिना हम सबका जीवन व्यर्थ हो सकता है। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हमको पानी का महत्व समझना है और लोगों को भी महत्व पानी के बारे में बताना है। इसके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बनेंगे वो आपको PDF फाइल के माध्यम से आपको कक्षा कार्य में और गृह कार्य में करने के लिए मिलेंगे। उसको साफ व्यवस्थित एवं सुंदर अक्षरों में करना है। तो आपको ठीक से इस पाठ के अंदर जितने भी बातें बताई गई हैं वो ठीक से समझ में आ गई होगी। जो तालिका थी पानी पवित्र स्थल और उसका पवित्र जल, ये भी आपको किताब में भरना है और इसको कॉपी में कर सकते हैं। धन्यवाद।